दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने के तीन तरीके बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम तीन तरीकों को जानते हैं। तो सबसे पहला जो उसका ऑफिशियल तरीका है वो आप सभी को मालूम भी होगा कि पीएम किसान की वेबसाइट पे हमें जाना है और उसके बाद में दोस्तों पीएम किसान की जो वेबसाइट है उस पर जाने के बाद में हमें वहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आता है। इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। डाउन साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्लिक करने का है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कमिंग सून, मतलब ये जो वेबसाइट है ये अपडेट हो रही है तो अभी यहाँ पे हमें कमिंग सून का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अभी आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है ये चेक नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं आपको दूसरे दो तरीके बताता हूँ जिसके थ्रू आप अपना पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है, आपको इंस्टॉलमेंट आई है क्या है, तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दूसरे तरीके के लिए फिर से दोस्तों हमको गूगल के अंदर टाइप करना होगा, गूगल हमें ओपन करना होगा। तो चलिए मैं पहले गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप करना है PFMS, इस तरह से आपको टाइप करना है और उसके बाद में सर्च करना है। तो आपके सामने ये फर्स्ट रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होंगी। यहाँ पे डाउन साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद में नो योर पेमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका बैंक चूज करना है कि कौन सा बैंक दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर है। तो पहले आपको यहाँ पे जैसा मेरा SBI है तो मैं यहाँ पे S पहले तीन लेटर यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो यहाँ से हमको हमारा जो बैंक है उसको चूज कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अब हमें अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जो अकाउंट नंबर हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐड किया था। तो अकाउंट नंबर भी यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में डाउन साइड में यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन हमें इंटर करना है और सेंड OTP पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर हमें एक OTP आएगा और उस OTP को हमें यहाँ पर दोस्तों फिर वैलिडेट करना है। तो चलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को फिर यहाँ पर मुझे इंटर करना है। तो दोस्तों OTP आ चुका है, चलिए मैं OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद में वेरीफाई OTP भी क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंस्टॉल प्रधान पीएम किसान योजना की जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो इसी तरह से आप भी दोस्तों इस वेबसाइट का यूज़ करके अपना बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पे अपने जो इंस्टॉलमेंट किस्त है उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों फिर से आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है किसान सुविधा। किसान सुविधा टाइप करने के बाद में आपको सर्च करना है। तो इस तरह से दोस्तों इस वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये भी फार्मर्स के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिख रहे हैं पीएम किसान, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में नो योर बेनिफिशियरी एंड पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। सिलेक्ट आईडी टाइप पे क्लिक करके आप चाहे तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। आधार नंबर इंटर करने के बाद में गेट एक्टिव इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से इंस्टॉलमेंट आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस है वो आ चुकी है। तो यह है दोस्तों तीसरा तरीका आपके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस को जान लेने का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।